मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और इस बार मैं एक नई जानकारी लेके आया हूँ, और इस बार मेरा टॉपिक है सामान्य वशीकरण। मित्रों, हम बहुत सी कई बार ऐसे लोगों की समस्या हो जाती है कि मेरा पुत्र ये बात नहीं मानता, या मेरा जो पति है वो मेरी बात नहीं मानता, जिस वजह से घर में झगड़ा रहता है, या मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरी पुत्री मेरी बात नहीं मानती। तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें आप लोग करते हैं, ज्योतिषों के पास भी जाते हैं और बहुत से उपाय भी करते हैं। कई बार असर हो जाता है, कई बार फर्क पड़ता है, कई बार नहीं पड़ता। तो इस बार इसी चीज़ को लेकर, इसी समस्या को लेकर मैं आप लोगों के पास आया, और मैं लेकर आया हूँ सामान्य वशीकरण, ऐसा एक उपाय जो आप घर में ही खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ज्योतिष वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, और यकीन मानिए कोई ज़्यादा खर्चा भी आप लोगों का नहीं होने वाला। आपको करना क्या है, आपको 50 ग्राम या 100 ग्राम छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी कहा जाता है, जिसे अक्सर लोग मुंह में अक्सर रख लेते हैं, पान वगैरह में भी इसे डालने के लिए यूज़ किया जाता है, आप उसे किसी भी पंसारी की दुकान से ले आइए। ये आसानी से अवेलेबल हो जाती है और मात्र 10 से 15-20 रुपये में आ जाती है। छोटी इलायची या हरी इलायची भी इसे कहा जाता है, अक्सर लोग इसे चाय वगैरह में भी डालकर पीते हैं। बस इसे लेके आना है, इसके अलावा और कुछ सामग्री की जरूरत नहीं है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब जिन व्यूअर्स ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद मेरी जानकारी, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको लगे कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी की मदद हो सकती है, तो उसे शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि देश में इस समय कोरोना नाम की महामारी का संकट आया हुआ है, तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया घरों में ही रहें। बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हो तभी ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकले। किसी के साथ नोटों का लेन देन करते हैं, तो जो नोट आपके साथ घर में आए हैं, आप उन्हें उसी समय सैनिटाइजर से, आप उन्हें भी सैनिटाइज कर लीजिए। उसके बाद आप उसे घर के बिल्कुल भीतर और अंदर तक लेके आइए। अपने बच्चों को पैसे देकर बिल्कुल मत भेजिएगा बाहर, इस समय बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। बाकी मैं प्रार्थना करूंगा आप सब व्यूअर से कि सब मिलकर माँ चंडिका से प्रार्थना करें कि हमारे देश को और विश्व के सभी इंसानों, सभी मानव को इस महामारी के संकट से बचाएं। चलिए मैं शुरू करता हूँ जानकारी, और मैं बात कर रहा था सामान्य वशीकरण की। सामान्य वशीकरण कैसे होगा, बहुत आसान है मित्रों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, छोटी इलायची लेनी है, 50 ग्राम 100 ग्राम इलायची ले आइए। आप उस इलायची छोटे या हरी इलायची को आप एक कटोरी में डाल दीजिए। कटोरी में डाल के आपने उसे अपने मुंह के पास ऐसे लेके आना है और ओम नमो नारायण फूंक मार देनी है, या ओम विष्णु देवाय नमः फूंक मार देनी है। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, ओम नमो नारायण या ओम विष्णु नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय फूंक मार दी। इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र चूज कर लीजिए, और 108 बार आपको उस छोटी इलायची की कटोरी में बराबर मंत्र बोलते रहना है, फूंक मारते रहना है, मंत्र बोलते रहना है, और ऐसे फूंक आपको मारते रहना है। सिर्फ 108 बार आपको ये करना है। जैसे ही 108 बार मंत्र बोलकर आप फूंक मारते चले जाएंगे, 108 बार आप मंत्र बोलेंगे, 108 बार आपकी फूंक लगेगी, वो फूंक से वो जो छोटी इलायची है, वो जो हरी इलायची है, वो अभिमंत्रित होती चली जाएगी। फिर वो छोटी इलायची आप जिस किसी को भी देंगे खाने को, वो कोई भी खा लेगा, कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसे लोग नहीं खाते, अक्सर कोई भी उसे खा लेता है। आप जिस किसी को भी वो छोटी इलायची देंगे, उसकी बुद्धि काम करने लगेगी, वो आपकी बात मानने लगेगा, आपकी जो सही बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो सुनने लगेगा, और हो सकता है कि आपके कहे अनुसार भी चलने लग जाए। लेकिन ये असर तभी करेगा जब आप कोई धार्मिक, कहने का मतलब है कि जब आप कोई तर्क सम्मत कोई बात करेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि आप उससे वशीकरण कर लें, और आप उससे कोई धर्म विरुद्ध कार्य करवाएं, तो ये वशीकरण वहां पर काम नहीं करेगा। समझ गए मित्रों? अगर कोई आदमी पान खाता है, या उसे
सुपारी खाने की लत है, वो इलायची नहीं खाता, तो आप ये छोटी इलायची की जगह आप हरी आप सुपारी को भी इसी तरह से अभिमंत्रित कर सकते हैं, और वो सुपारी का टुकड़ा जो अपने मुंह में रखेगा वो भी आपके वशीकरण में आ जाएगा। ये सामान्य वशीकरण है दोस्तों, ये तभी काम करेगा जब आपकी भावना उस सामने वाले से कुछ करवाने के लिए बिल्कुल साफ होगी। अगर आप काले मन से या बुरे मन से अगर आप कुछ करवाना चाह रहे हैं तो आपका ये वशीकरण काम नहीं करेगा। लेकिन इस मंत्र को करने से पहले या इस क्रिया को उपाय को करने से पहले एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये अभिमंत्रित आपसे तभी होगा जब आप इसको 5 दिन लगातार आप इस मंत्र को 108 बार जपेंगे। भगवान विष्णु के सामने, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ के, मंदिर में बैठकर, या जो आपने घर में मंदिर बनाया उसके सामने बैठकर जब आप प्रतिदिन 108 बार 5 दिन तक इसका आप जाप करेंगे, उसके बाद ही आप इस मंत्र से सुपारी या इलायची को अभिमंत्रित कर पाएंगे, उससे पहले आप अभिमंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे बताना ना भूलिएगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो जाहिर सी बात है कमेंट में मुझे लिख के पूछ सकते हैं, या जिन लोगों के पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है वो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए मित्रों अगली बार फिर आपके साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।